प्रदेश कारोबारी ऋतुजी भाई पटेल अया स्टेज पर पदारोहण ग्रहण करें। खोखरा वार्ड, घोड़ासर वार्ड, ईसनपुर वार्ड, लाभा वार्ड ना युवा मित्रों खूब ज हो अने आटलू सरस केसरियो केसरिया क्रांति देखाती हो त्यारे आपणने गदगद आनंद थाय अने एना रहीशो पण खूब आनंदित थया छे आजे आ केसरियो जोईने। जेडी मजेडिया जी जे पोतानुं वक्तव्य आपशे। आपणे अहींया पहेला स्वागत विधि करीशुं अहींया आगळ। તમિલનાડુના મેમ્બર ઓફ પાર્લામેન્ટ છે, ભારતીય જનતા પાર્ટી યુવા મોરચો, તેમનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે। જેડી બજેટિયાને વિનંતી કે પોતાનું અહીંયા આગળ વક્તવ્ય આપશે। જે ટીવી કલાકાર છે एक बार और बजा दो, बहुत मजा आया सुन के। अपनी वच्चे बॉडी ना सभ्य एवं अनुराग सिंह ठाकुर अपनी वच्चे उपस्थित छे, ते આપણે ભારત માતા કી જય સાથે તેમનું સ્વાગત પણ કરીશું। ભારત માતા કી, ભારત માતા કી, વંદે વંદે। બાપુ આચરવાના અને આ બાપા ચાલીને આવા જુઠ્ઠાણા ફેલાવનારા લોકો સામે ભાઈ શ્રી કરણભાઈ ભટ્ટને વિનંતી કરું છું। આપણા અહીંયા ઉપસ્થિત સાંસદ શ્રી સીપી બાલાકૃષ્ણજીનું સ્વાગત કરવા માટે શ્રી સન્ની દેસાઈ ઘોડાસર વોર્ડ, વિનંતી કરું છું। શ્રી સીપી બાલાકૃષ્ણજી, ભારત માતા કી, મણિનગરી હે નરેન્દ્ર ભાઈ કી કોન્સ્ટિટ્યુએન્સી। કાફી લંબે સમય સે આપ બેઠે લેકિન જોશ ઇતના હો કે પૂરે ગુજરાત મે આવાજ જાય, ભારત માતા કી, ભારત માતા કી, વંદે વંદે વંદે। કર્ણાવતી મહાનગર કે લોકપ્રિય મેયર आदने भाई असित भाई वोरा जी, वैसे तो गुजरात में जब आते हैं तो सबसे पहले तो यही पूछना पड़ता है केम छो, अगर आप लोग मजा में हैं तभी देश मजे में है। गुजरात के लोगों का मजे में रहने से देश के लोगों को उम्मीद लगती है कि कोई एक ऐसा राज्य है जो तरक्की कर रहा है, विकास कर रहा है, और जिस राज्य से, जिस राज्य के नेता से पूरे देश की आस बंधी हुई। और मैं जब जब गुजरात आया हूं पिछले तीन वर्षों में, मेरा वर्षों में देश में 28 लाख किसानों ने आत्महत्या की। देश में एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री है लेकिन देश में 28 लाख किसान आत्महत्या करते हैं, लेकिन केंद्र की सरकार मूक दर्शक बनकर रहती है। और दूसरी ओर भाजपा शासित राज्यों को उठाकर देखिए, गुजरात में कृषि की दर 11% की दर से हम बढ़े हैं। आप मध्य प्रदेश में उठाइए, गुजरात को देखकर वो भी 13-14% की ब्याज दर से बढ़े हैं, की दर से बढ़े हैं। हिमाचल प्रदेश 9-10% और छत्तीसगढ़ ने भी लगभग 9-10% की दर से प्रगति की है।
अगर भाजपा के शासन में किसान समृद्ध होता है, संपन्न होता है, और कांग्रेस के शासन में आत्महत्या करने पर मजबूर होता है, भाजपा के शासन में नौजवान को रोजगार मिलता है और कांग्रेस के शासन में युवाओं को बेरोजगारी मिलती है, तो यही कारण है कि हमारे नरेंद्र भाई का सामना करने के लिए कांग्रेस का युवराज गुजरात की तरफ आने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि शेर के सामने कभी लोमड़ी नहीं आती। मित्रों, हमारे शेर के सामने ना कभी लोमड़ी आने वाली है। हमारे शेर ने काम करके दिखाया है, गुजरात को नशों में दे और ना उनको कोई पछतावा हुआ। वैसी ओछी बयानबाजी एक बार फिर आकर गुजरात में कर दी कि दगाबाज है। इस ओछी बयानबाजी का भी एक बार फिर गुजरात जवाब देगा, और इतना करारा जवाब देगा कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ गुजरात प्रदेश से एक बार फिर यहां का नौजवान कर देगा। शायद सोनिया, लेकिन जब वॉलमार्ट आएगी और बाकी कंपनियां आएंगी तो 4 करोड़ लोग सड़कों पर आ जाएंगे। लेकिन कांग्रेस को क्या, कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ता कि भारत सोने की चिड़िया बने। कांग्रेस तो भारत को सोनिया की चिड़िया बनाना चाहता है। लेकिन देश का नौजवान कांग्रेस चाहे सोने की चिड़िया नहीं बना पाई, लेकिन हम इस देश को सोनिया की चिड़िया भी नहीं बनने देंगे। पहले गुजरात में कमर खिलाएंगे, हिमाचल में खिलाएंगे, जी फॉर गुजरात, एच फॉर हिमाचल, फिर आई फॉर इंडिया। भारत में भी कमल खिलेगा तो भाजपा के कारण खिलेगा। कांग्रेस की मनमानी नहीं चलने वाली। देश का नौजवान इनसे त्रस्त है, देश का नौजवान बेरोजगारी से त्रस्त है, देश का नौजवान भ्रष्टाचार से दुखी है, लेकिन कांग्रेस तो मस्त है। कांग्रेस का तो यह हालत है कि जब एफडीआई की आधी चर्चा खत्म हो गई तो इनके युवराज संसद में आए, और जब कोई प्रमुख विषय होता है तो राहुल जी उस पर अपनी कोई लेकिन एक बात की मुझे बड़ी चिंता होती है कि सोनिया जी को मैं देखता हूं पिछले 2-3 वर्षों में जिस राज्य में चुनाव आता है, सोनिया जी कुछ ऐसी बातें लेकर जाती हैं जो रटी रटाई, जैसे तोता बोलता है वैसे वो बोलती हैं। बिहार गई तो कह दिया कि केंद्र ने पैसा भेजा, कहां गया। पंजाब गई तो सेम भाषण वहां पर दे दिया। गोवा गई तो सेम भाषण वहां पर दे दिया। हिमाचल प्रदेश आई तो हमारे छोटे से हिमाचल प्रदेश में आकर कहती है कि 10,000 करोड़ रुपए हमने हिमाचल को दिया, कहां गए। हमने पूरे खाते खंगोल मारे कि कौन सा पैसा सोनिया जी ने भेजा जो आज तक हमें मिला नहीं। और आप विश्वास मानिए, चुनाव हुए 4 नवंबर को, आज 1 महीने से ज्यादा हो गया, हिमाचल प्रदेश के चुनाव में सोनिया जी ने कहा कि केंद्र की सरकार ने हिमाचल प्रदेश को 10,000 करोड़ भेजा और हिमाचल प्रदेश की भाजपा की सरकार ने खर्च नहीं किया। मैं इस मंच पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, हमारे मुख्यमंत्री ने प्रेम कुमार धूमल जी ने हिमाचल के चुनाव में भी सोनिया जी से पूछा कि आंकड़े दीजिए कौन सा पैसा दिया है। सोनिया जी के पास जवाब नहीं था। दूसरी बार आई तो 10,000 करोड़ कहना भूल गई कि केंद्र ने पैसा दिया, हिमाचल खर्च नहीं कर पाया। हमने सूची जारी कर दी कि जितना पैसा आपने भेजा 100% पैसा हिमाचल प्रदेश ने खर्च किया। झूठ बोलना बंद कर दीजिए। आज चिट्ठी लिखे भी 1 महीना हो गया लेकिन सोनिया गांधी जी ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या आपके गुजरात में भी अगर कोई झूठ बोलती है, कोई कहती है कि केंद्र ने पैसा भेजा, जरूर बोलती होंगी। झूठ बोलना इनकी आदत बन गई। अगर पंजाब में बोला, हिमाचल में बोला, बिहार में बोला, और ये कहते हैं कि केंद्र ने पैसा भेजा है और भाजपा शासित राज्यों ने खर्च नहीं किया, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर पूरे देश में अगर सबसे अच्छा पैसा किसी ने खर्च किया और अपने प्रदेश को विकास के रास्ते में आकर लेकर गए
और 20 सूत्रीय कार्यक्रम में अगर पहले स्थान पर किन्हीं राज्यों का नाम आया तो गुजरात और हिमाचल प्रदेश का आया जो भारतीय जनता पार्टी शासन